अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्विकली बात करेंगे मलेशिया का जो नोमेड वीज़ा जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में। तो नोमेड वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मलेशिया इमिग्रेशन की वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि रफली इस वक्त कोई 20 से 30 मुल्क हैं जो नोमेड वीज़ा जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और ये उन लोगों के लिए जो फ्री लांसर्स हैं जो ऑनलाइन पैसे कमाते हैं और सबूत दे सकते हैं अपनी ऑनलाइन इनकम का। उनको एक्स अमाउंट ऑफ मंथली इनकम हर महीने दिखानी होगी कि जी मैं इतने पैसे हर महीने बनाता हूँ, और कुछ सेविंग्स अमाउंट शायद दिखानी पड़े। कुछ डिफरेंट मुल्कों के डिफरेंट रूल्स हैं। मैं आपको क्विकली बस बता देता हूँ कि सबसे सस्ता अगर इन सारे मुल्कों के अंदर कोई ऑफर कर रहा है तो वो इस वक्त पोर्टुगाल है। पोर्टुगाल ये कह रहा है कि अगर आपकी मंथली इनकम रफली कुछ $700 पर मंथ है तो आप नोमेड वीज़ा ले सकते हैं उनसे, और वहाँ पोर्टुगाल में आप रह सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसमें नॉर्वे है, एस्टोनिया वगैरह है, साइप्रस हो गया, काफ़ी सारे कंट्रीज हैं, उन सब की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी टफ हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं रफली 3000 से 3500 यूरो पर मंथ इनकम होनी चाहिए। मलेशिया सेकेंड नंबर पर आता है। मलेशिया ये कहता है कि अगर आपकी मंथली इनकम $2000 है तो आप मलेशिया में नोमेड वीज़ा ले सकते हैं, और ये एप्लीकेशन वो लोग एक्सेप्ट करेंगे 1 अक्टूबर से। तो मेरी सजेशन ये है कि मलेशिया ट्राई करें आप लोग। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। मुस्लिम कल्चर, खाना पीना, हर लिहाज से आप लोग ओवरऑल कंट्री बहुत सस्ता है। पोर्टुगाल भी सस्ता है, पोर्टुगाल भी महंगा नहीं है, आप पोर्टुगाल भी कर सकते हैं। D7 कहलाता है वो वाला वीज़ा, और मलेशिया और भी काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं यहाँ पे, जो कि मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में आप लोगों को एक्सप्लेन किया। मैं आप लोगों को क्विकली एक रन डाउन दे देता हूँ कि यहाँ की लिविंग कॉस्ट है क्या। लिविंग कॉस्ट मलेशिया की खूबसूरत अपार्टमेंट, वो ये देखें मेरे घर के सामने अपार्टमेंट नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये एक बिल्डिंग नज़र आ रही है वहाँ पे। अच्छा, इस बिल्डिंग के अंदर स्विमिंग पूल वगैरह है, जिम है, सोना है, सारे बेनिफिट्स हैं। इस बिल्डिंग के अंदर खूबसूरत अपार्टमेंट जिसके अंदर कम से कम 4 रूम्स होते हैं, 3 टॉयलेट होते हैं, ये मिल जाता है $300 पर मंथ के ऊपर। मैं सिटी से, कुआलालंपुर के सिटी सेंटर से रफली रहता हूँ कोई 22 किलोमीटर होगा, 20 किलोमीटर समझ लें, और सिटी अगर मुझे पहुँचना है तो मैं 20 मिनट में पहुँच सकता हूँ, अगर तो ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक होगा तो मुझे शायद आधा पौना घंटा लग जाए। बिजली यहाँ पर आती है, ये मेरा घर है, मेरे घर में काफ़ी सारे एयरकॉन चल रहे हैं यहाँ पर, रफली कुछ 6 के करीब एयरकॉन होंगे। मंथली बिल हमारा पाकिस्तानी करेंसी में या $US में बता देता हूँ, 100-150 US का हमारा मंथली बिल आ जाता है। गाड़ी आप ब्रांड न्यू ले सकते हैं मलेशिया में, अगर तुम मॉर्गेज पर ले रहे हैं तो मंथली उसका $150 लगा लें आप, $100 से $150 आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी गाड़ी की। ये रफ कॉस्ट है। ग्रॉसरी बता देता हूँ, मलेशिया में फैमिली अगर 3 लोगों की फैमिली है तो उनकी ग्रॉसरी महीने की आप $200 कर लें, ये आपकी एवरेज ग्रॉसरी होगी। बहुत ज़्यादा कर लें $250 कर लें। जो लोग बच्चों के साथ आना चाहते हैं, एक बच्चा $200 का पड़ेगा आपको, रफ बिल्कुल आइडिया दे रहा हूँ आपको। उसमें उसकी एजुकेशन भी शामिल है। थोड़ा सा महंगा कर लें, हाई एंड चले जाएं, $300 कर लें आप पर मंथ। ये बस आपको बिल्कुल एक रफ एस्टिमेट दिया है। पेट्रोल यहाँ पे मिलेगा 50 सेंट का, रफली 50 सेंट का लीटर मिल जाता है। बहुत वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो मलेशिया अगर आप आना चाहते हैं, $2000 इनकम पर मंथ दिखानी होगी। कैसे दिखाएंगे वो आप पेपर में दिखाएंगे, इनकम प्रूफ दिखा देंगे, बैंक स्टेटमेंट की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मैं सबको कहता हूँ कि जिसने मलेशिया आना है, कम से कम $8,000 से $10,000 की सेविंग्स होनी चाहिए, जो बैंक में होने चाहिए आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब मेरी तो एडवाइस यही होगी कि भाई आप लोग अप्लाई कर दें 1 अक्टूबर को। उसकी वजह बताता हूँ, नया नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, अभी बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी इतनी ज़्यादा टाइट नहीं होगी इनकी। आप सोचें, आज से 2 साल के बाद जो लोग अप्लाई कर रहे होंगे वो पता नहीं क्या क्या मांगेंगे, उनसे बोलेंगे ये भी लाओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ, ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, वो डॉक्यूमेंट दिखाओ, फेडअप हो जाएंगे लोग।
अभी नया नया प्रोग्राम है, अभी तो जो भी अप्लाई करेगा ये इनको सबको आसानी से दे देंगे, कोई बहुत ज्यादा रेड टेप्स अभी मिलेंगे नहीं आपको। अभी तो ये लोग खुद लर्न करेंगे कि हमने मांगना क्या है लोगों से। जब लाखों लोग अप्लाई करेंगे, फिर ये जब इनको केस बाय केस ये स्टडी करना शुरू करेंगे, डाटा बिल्ड करेंगे, ओहो फलां लोग हमारे साथ ये करते हैं, फलां को आने दो, फलां को मत आने दो, ये वाली रिस्ट्रिक्शन रखो, ये मांगो, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, तो वक्त के साथ रेड टेप्स बढ़ेंगी, अभी तो ना होने के बराबर है। तो एप्लीकेशन कॉस्ट कोई इतनी ज्यादा नहीं है, $100-150 की एप्लीकेशन कॉस्ट है। 1 अक्टूबर को मेरा मशवरा माने आप लोग सब, इनकी वेबसाइट पर जाएं और अप्लाई कर दें नोमैड वीजा। मंथली इनकम ये लोग कहते हैं कि चूंकि कोविड के बाद इट्स नॉट जस्ट फ्रीलांसिंग एनीमोर, इट्स नॉट अबाउट जस्ट फ्रीलांसिंग। इनको ये पता लग गया कि कोविड के बाद बंदे की नौकरी अमेरिका में है, रहता पाकिस्तान में है, और एम्प्लॉयर कह रहा है कि ये मेरा एम्प्लॉई है, मैं मंथली इसको ये तनख्वाह देता हूं। अच्छा, एक चैलेंज जिसका भी मुझे क्लियर नहीं है और वो हो सकता है वो आए, हो सकता है ये आपसे FBR के डॉक्यूमेंट्स मांग लें कि भाई आप अगर $2,000 मंथली कमाते हैं तो सबूत दे दें। तो सबूत आपके पास लाइकली यही होगा कि जी मैं FBR का टैक्स रिटर्न फाइल करता हूं और मैं एनुअल साल का इतना टैक्स देता हूं। वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है प्रूफ करने के लिए कि आप किसी मुल्क में रह रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं। हो सकता है, चूंकि अभी नया प्रोग्राम है, अभी तो लॉन्च ही नहीं हुआ, अभी तो 1 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है, तो हम एजम्पशंस ही कर सकते हैं। हो सकता है आप उनको ये कह सकते हैं मेरी नई नई जॉब लगी है, मुझे अभी नई नई नौकरी लगी है, मेरा एम्प्लॉयर कैनेडा में होता है, मेरा एम्प्लॉयर इंग्लैंड में होता है, मेरी फिक्स महीने की ये तनख्वाह है $2,000 या $2,200 और मैं अभी टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा, तो ये भी शायद एक मैकेनिज्म हो जो वो एक्सेप्ट कर ले, शायद वो एक्सेप्ट कर ले, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अप्लाई जरूर करें, ट्राई जरूर करें, बड़ा सस्ता मेथड है, कोई एक्सपेंसिव, कोई ज्यादा एक्सपेंसिव ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया वो लबुआन वाला है, कि आपको लबुआन का वर्क परमिट लेना पड़ेगा, वो महंगा है, उसकी अच्छी खासी कॉस्ट आएगी, जिसमें मैंने कहा 4 लोग मिलकर ले लें, $3,500 पर हेड लगा दें, फिर आप सालाना टैक्स रिटर्न भरें, $2,500 इनकम दिखाएं, उसके हिसाब से टैक्स रिटर्न फाइल करें। अच्छा, मलेशिया में आने का फिर नेक्स्ट फायदा ये होगा कि आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी, टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद, प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद आप अमेरिका का B1 B2 अप्लाई कर सकेंगे आज से 2 साल के बाद, ठीक है? तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं। अच्छा, सेकेंड नंबर पे अगर आपने पोर्टुगल को एक्सप्लोर करना है, आप पोर्टुगल को एक्सप्लोर करें, D7 नाम है उसका, sunnyali.com/zameen100 पे जाएं, पोर्टुगल खोलें, हो सकता है किसी ने D7 के ऊपर कंटेंट बनाया हुआ हो वहां पे, अदरवाइज यूट्यूब से एक्सप्लोर करें कि D7 कैसे अप्लाई करते हैं और क्या उसका तरीका है, आप लोग कैसे D7 जा सकते हैं उसको यूज करके। पोर्टुगल के अंदर अगर किसी ने परमानेंट रेजिडेंस लेनी है या सिटीजनशिप लेनी है, वो मेरा ख्याल है $2,50,000 की यूरो की कुछ रिक्वायरमेंट है, आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 5 साल आपको पोर्टुगल में रहना पड़ेगा, तो आप सिटीजन भी बन सकते हैं, ठीक है जी। तो मलेशिया का नोमेड वीजा के अलावा इंडोनेशिया का भी नोमेड वीजा आ चुका है, इंडोनेशिया भी ऑफर कर रहा है, काफी सारे कंट्रीज ऑफर कर रहे हैं, और मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि बहुत सारे कंट्रीज अभी ऑफर करेंगे, क्योंकि कोविड के बाद सबकी इकोनॉमियां जो हैं वो डिप्रेस उसमें चल रही हैं, और लोग चाह रहे हैं, कंट्रीज चाह रही हैं कि आप हमारे मुल्क में आएं, हमारे मुल्क में खाएं पिएं, गाड़ियां दौड़ाएं, हमें रेंटल पे करें, घर खरीदें, घर लें, खर्चे करें, यहां पे खाएं पिएं, हर मुल्क ये चाह रहा है। तो इंडोनेशिया में रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा कि इंडोनेशिया कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंडोनेशिया में तो PR भी मिल जाती है आसानी से, लेकिन मलेशिया बहुत वेल डेवलप्ड है, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का, जबरदस्त लाइफ क्वालिटी है यहाँ की, बहुत हाई स्टैंडर्ड लिविंग क्वालिटी है, और हाईवेज का ह्यूज मैसिव नेटवर्क है यहाँ पे, तो वो जो लाइफ क्वालिटी यहाँ मिलती, मैं इतने मुल्क दुनिया के घूमा हूँ, इतने मुल्क घूमने के बाद इस जैसा लाइफ स्टैंडर्ड, लाइफ क्वालिटी इस प्राइस में कहीं नहीं मिलता मुझे, इस प्राइस में, ये जो प्राइस है ना, मैं इवन के मलेशिया में इस वक्त मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जो लोग DHA में या बहरिया में रह रहे हैं, वो जो कॉस्ट वहां पे रहने की पे कर रहे हैं, वो रफली यही कॉस्ट होगी मलेशिया की, रफली आप अज्यूम कर लें। अगर मैं पूरी फैमिली के, क्योंकि कुछ चीजें महंगी होंगी, कुछ सस्ती होंगी, मिला मलू के जो लिविंग क्वालिटी है, एक शख्स फॉर एग्जाम्पल
पाकिस्तानी करेंसी में 2-2.5 लाख रुपए में सिंगल इंसान बड़े आराम से बड़ी सुकून की लाइफ यहाँ गुजार सकता है हाई क्वालिटी लिविंग स्टैंडर्ड के साथ। फैमिली जो है वो पाकिस्तानी करेंसी में शायद 4 लाख रुपए में बेहतरीन अच्छी लाइफ गुजार सकती है। यहाँ पर 5 लाख कर लें बहुत अच्छी लाइफ होगी फिर उस केस में, ठीक है। तो ऑनलाइन इनकम का अपना मसला हल करें, नोमैड वीजा अप्लाई करें, दुनिया में ट्रेवलिंग करना शुरू करें और मलेशिया 1 अक्टूबर को आप लोग अप्लाई करें और किस्मत आजमाएं अपनी। कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझसे कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।